नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर कीर्ति और में आप लोगों का स्वागत। इस बाउंड्री में मैं गड्ढे को एक खोदा जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो टंकी का पानी लगा हुआ है, इससे टोटी का कनेक्शन देने के लिए इसको खोदा जा रहा है। ये बहुत ही मेहनत का काम होता है कि कम जगह में कम से कम एक मीटर इसको गहरा खोदा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये रोड के किनारे जो साइड साइड में पाइप बिछा हुआ है टंकी का, उसी से कनेक्शन लेना इस बाउंड्री के अंदर। इसमें काफ़ी मेहनत, बहुत सारा मेहनत इसमें लग रहा है। ये लोग बिहार से आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कम जगह में करीब एक मीटर गड्ढे की खुदाई होने के बाद अब पाइप मिल चुका है। अब इसको एक खुरपी के द्वारा उसको साफ किया जा रहा है ताकि इसमें क्लैंप को लगाया जा सके। देख सकते हैं दोस्तों, यही पाइप लगेगा। इसको मिट्टी के साफ किया जा रहा है ताकि इसमें क्लैंप को अच्छी तरीके से बैठाया जा सके। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, इसको अब इसमें पाइप में सुराख किया जा रहा है ताकि इसको बैठाया जाए। इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है क्योंकि ये टंकी चालू अवस्था में था, इसमें पानी था, क्योंकि लेकिन यहाँ पर डाउन है, इसलिए यहाँ पे पानी निकल रहा है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसमें से पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है क्योंकि एक इसमें अभी थोड़ा और सुराख किया जाएगा। जैसा कि एक क्लंप उसमें बैठाया जाएगा नीचे साइड में और ऊपर साइड में, दोनों इसमें और सुराख कर रहे हैं। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, ये पानी के अंदर ही इसको लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। दोस्तों वीडियो को आखिर तक बने रहिए। इसमें सुराख करने के बाद बहुत अधिक मात्रा में पानी निकलने लगा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है। हम इसको देखते हैं कैसे इस क्लैंप को पानी के अंदर बैठाएंगे। काफ़ी हार्ड वर्किंग कार है। तो चलिए इसको लगाने की प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। इसमें थोड़ा खोल के रखेंगे, इसको पानी के अंदर लगाना है। तो इसमें से साफ दिखाई भी नहीं देगा, अंदाजे से ही इसको लगाएंगे। बस एक एक नमूने हैं, इसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। छोड़े हुए ना, तो झापड़ पा जाते ना, तो दिमाग से बहुत ही मेहनत काम है इसको, क्योंकि कम जगह में करीब एक मीटर का जगह है। इसमें इसके अंदर इसको सेट करना है, लग रहा है अभी सेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पानी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए, कोशिश किया जा रहा है कि इसको सेट किया जाए। इसमें से कुछ ये नट बोल्ट कसने के लिए औजार निकाला गया है। ये रोड के किनारे है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें लग रहा है, सही से लग नहीं पा रहा है, उसके पानी को निकाला जाएगा। पूरा पानी निकालने के बाद ही पाइप दिखेगा, तो उसमें से लगाना आसान हो जाएगा। ये दोस्तों पानी लगभग अधिक मात्रा में निकाला जा सका है। दोस्तों क्लंप को बैठाया जा रहा है, इसमें पानी अधिक मात्रा में निकाल लिया गया है, अब इसको बैठाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये टोटी है, तो इसको में सेट होगा। इस पाइप में करीब एक पाइप सेट होगा डेली का। ये लोग बता रहे हैं कि 10 पाइप हम लोग सेट करते हैं। इसमें क्लंप लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अभी कुछ लीकेज है जिसको कसा जाएगा, क्योंकि दिख नहीं रहा। ये जो पाइप है, इसी पाइप को यहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है, इसको पाइप को सेट किया जा रहा है। कि सर अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्लंप को इस पाइप में कैसे लगाएंगे, क्योंकि एक बहुत कम जगह है। आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए इसमें पाइप को ऑटोमेटिक ही सेट किया जा सकता है। अलग से कोई ग्लू नहीं लगाएंगे इसमें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्लंप को बैठा दिया गया है, उसको कस दिया गया है। इसको अलग से चूड़ी पे ही अलग से इसमें कोई ग्लू नहीं लगाया जाएगा। इस बात इसको मिट्टी को रख दिया जाएगा। काफ़ी हार्ड वर्किंग है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको अरे पाइप
इसको अंदर से मिट्टी के अंदर लगाने के लिए पाइप को जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा, लगाया जाएगा। और इसके लिए कंकरीली मिट्टी है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है। इस मिट्टी को निकाला जा रहा है इस पाइप को अंदर करने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं करीब 4 से 5 मीटर का लंबा पाइप है। इसको काफ़ी हार्ड वर्किंग के साथ इसको निकाला जा रहा है। मिट्टी बहुत ही टाइट है, ये पाइप काफ़ी मजबूत होता है, इसको मिट्टी के ज़्यादा अंदर नहीं डाला जाता है। इस पे किसी चीज़ से दबने से ये टूटता नहीं है अभी, क्योंकि अब इसको खोद दिया गया और मिट्टी को फाड़वे की मदद से निकाला जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मिट्टी को इसमें से साफ किया जा रहा है, इसमें पाइप बिछा के इसको अंदर डाला जाएगा। बना दिए, शाम को डालते हैं। वर्किंग कार है, बहुत ही मेहनत का काम है। अब यहाँ तक इन लोगों ने साफ कर चुके हैं, अब इसमें पाइप को अंदर से बिछाएंगे। आप लोग देख सकते हैं इस पाइप को इसमें से बिछाया जा रहा है। एक लोग पकड़ के मिट्टी में लगा रहे हैं और दूसरे इस मिट्टी पाइप के ऊपर से मिट्टी को डाल रहे हैं, क्योंकि पाइप को मजबूती देने के लिए मिट्टी ऊपर से डालना पड़ेगा। अब लगभग ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं मिट्टी को पूरा ढक दिया है। अब इसमें टोटी वाला पाइप देखिएगा लगाएंगे, अर्थात लोहे का पाइप लगाएंगे, लेकिन ये पाइप बड़ा हो चुका है इसलिए इस पाइप को काटेंगे। काटने के बाद इसको इसमें से जोड़ेंगे। इसमें भी वार्सल या टेप की ज़रूरत नहीं है, इसमें वार्सल लगा दोस्तों हुआ है। फिर इसमें इस पे रबड़ का वार्सल लगाएंगे, बैठा देंगे। इसमें भी ऑटोमेटिक है, क्योंकि इसमें कोई गोंद या कुछ भी इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। इसको इसमें बस पाइप में टोटी को पाइप में लगा के इसको चूड़ी चूड़ीदार होता है इसको इसमें वार्सल लगा हुआ है ताकि ये लीकेज ना करे। अच्छे से इसके टाइट कर चुकी है, ये बन के अब लगभग रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको ज़मीन पे ये सटा देंगे दीवार के साइड में। इसमें कुछ मिट्टी बचा हुआ है, इसको मिट्टी को इसको ढक देंगे। इसके बाद इस पे नीचे टोटी के नीचे आरसीसी होगा, लेकिन ये बाद में होगा। आज फिलहाल इतना ही, इस टोटी को सेट कर देंगे। भाई लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि इनकी काफ़ी मेहनत हार्ड ठीक है तो उस गेट से आइएगा यहाँ पर लगा।